वॉर फिल्म के एक्शन सीन्स को शूट करने में एक साल क्यों लगा और इस फिल्म में चार एक्शन डायरेक्टर्स क्यों लेने पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, फिल्म का नाम ही वॉर है तो एक्शन तो धुआंधार होना ही है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अभिनीत इस फिल्म का अभी तो महज टीजर ही रिलीज हुआ है, लेकिन फिल्म का जबरदस्त माहौल बन गया है। पहले दिन के कलेक्शन के अनुमान तक लगने लगे हैं। जी हाँ, सभी मान रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन फिल्म पहले दिन ही कर सकती है। वेल, ऋतिक रोशन को जिस अंदाज में दर्शक देखना पसंद करते हैं वही रूप उनका टीजर में नजर आया है, इसलिए भी दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो दूसरी ही ओर टाइगर श्रॉफ भी कम नहीं लग रहे हैं, वो भी उनको दमदार टक्कर देते नजर आ रहे हैं और देखने से साफ लग रहा है कि फिल्म में एक्शन सीक्वेंस जबरदस्त होने वाला है। लेकिन इन्हें चार एक्शन डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ, दुनिया के शीर्ष एक्शन निर्देशकों में से चार पॉपुलर डायरेक्टर्स। पहला नाम है पॉल जेनिंग्स, जिन्होंने द डार्क नाइट, सैन एंड्रियास, जैक रीचर और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी फिल्मों में एक्शन डायरेक्ट किया है। दूसरा नाम है फ्रांज स्पिहास, जिन्होंने सेफ हाउस, आई इन द स्काई, डेथ रेस जैसी फिल्मों में एक्शन डायरेक्ट किया है। तीसरा नाम है सी यंगोव, जिन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक्शन डायरेक्ट किया है। और चौथा नाम है परवेज शेख, जिन्होंने टाइगर जिंदा है, केसरी और मैरी कॉम जैसी फिल्मों में एक्शन डिजाइन किया है। दोस्तों, कहने वाले कह रहे हैं कि ऐसा एक्शन स्टंट हिंदी सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। वेल, ऋतिक को लेकर बैंग बैंग बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि एक्शन सीक्वेंस को डिजाइन करने में ही एक साल लग गया और ये बहुत ही मुश्किल काम था। वेल, आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, जिसमें हमें वाणी कपूर भी नजर आने वाली हैं। तो आप इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।